जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश का लाल शहीद 28 वर्षीय जवान भरत यदुवंशी का पार्थिव शरीर कल पैतृक गांव लाया जाएगा। कल यह जवान हमारे देश के जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। शहादत की सूचना घर पर आते ही 4 माह की गर्भवती पत्नी का हालत बेहोशी हो गया, जहां तक कि बूढ़ी माँ और पिता का भी हालत गंभीर हो गया है। शहीद का खबर सुनते ही पूरे गाँव में शोक का लहर उमड़ पड़ा है। छिंदवाड़ा से लगे ग्राम रोहना के शंकर खेड़ा के रहने वाले भरत यदुवंशी जम्मू कश्मीर से मुठभेड़ के दौरान ग्रेनेड हमले से शहीद हो गए। भरत यदुवंशी के शहीद होने की खबर लगते ही पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। अपने जवान बेटे के इस शहादत के खबर लगते ही उनकी मां की तबीयत बिगड़ी और वही घर में उसकी पत्नी और बच्चों को भी रो रो कर बुरा हाल। छिंदवाड़ा के शंकर खेड़ा के रहने वाले 28 वर्षीय भरत यदुवंशी साल 2015 में आर्मी में ज्वाइन किए थे। बता दें कि भरत यदुवंशी जम्मू कश्मीर के दुर्गा मूल क्षेत्र में कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ तैनात था। यहां उनकी बुधवार को शाम को आतंकवादी मुठभेड़ हो गई। वे ग्रेनाइड हमले में बुरी तरह से घायल हो गए थे। देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण को नौछावर कर दिए, हमारे देश के लिए शहीद हो गए। परिजनों के मुताबिक शहीद भरत यदुवंशी का शव शनिवार को छिंदवाड़ा पहुंचेगा, जहां उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। भरत के शहीद होने की खबर लगते ही पूरे जिले भर में शोक की लहर है। वही काफ़ी संख्या के लोग उनके घर पर इकट्ठा हो रहे हैं। शोक संपत्त परिवार को उनके परिवार को संवेदना व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश के सेवा के लिए प्राण नौछावर करने वाले भरत यदुवंशी का धर्मपत्नी उर्मिला यदुवंशी का हालत बिगड़ गई है। उर्मिला 4 माह की गर्भवती है। ऐसे में पति को निधन की खबर लगते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई है। उर्मिला के साथ 2 छोटी-छोटी बेटियां भी हैं। उन लोगों को भी रो रो कर हालत बेहद ही गंभीर हो गई है। वही अपने बेटे की शहीद होने की खबर सुनते ही माँ का श्रीमती सुशीला यदुवंशी का भी तबीयत बेहद ही खराब हो चुका है। उनके पिता ओमकर यदुवंशी आंसू भी उनका पिता का भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश के लिए प्राण नौछावर करने वाले 28 वर्षीय जवान भरत यदुवंशी का छोटा भाई भी नारद यदुवंशी भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में तैनात है। भारत माँ की सेवा कर रहे हैं सरहद पर। बता दें कि शहीद जवान का पिताजी अपने दोनों बेटा को सरहद पर देश की सेवा के लिए भेजा था, लेकिन दुख की बात यह है कि उनका बड़े बेटा हमारे देश के लिए प्राण नौछावर कर दिए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में। वहां पर आतंकवादी मुठभेड़ में यह जवान शहीद हो गए। अगर आप लोगों को भी इस जवान के लिए जरा सा भी रिस्पेक्ट होगा भरत यदुवंशी के लिए, तो आप लोग कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मैं भगवान से यही विनती प्रार्थना करता हूं कि शहीद जवान भरत यदुवंशी का आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की सहनशक्ति दे। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर ले। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी युवा अंतिम यात्रा में जाकर श्रद्धांजलि दें।